सो so, अगर आप भी वेट करें तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा बाकी वीडियो के स्टार्ट करते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको टिक्सॉन तक का वेट करना चाहिए या उससे बेटर ऑप्शन जो है सेगमेंट में उसको परचेस करने लेना चाहिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं सो नो नेटवर्ग सी का माइंड गाइड इज है कुछ नहीं करना आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसे आ, उस पर क्लिक करें ऐसप का कंसल्टेंसी फॉर्म आपके सामने ओपन होगा जस्ट इस फॉर्म को फिल करें ये एक पेड सर्विस है तो आपको एक प्लेन चूज करना है सबमिट कर देना है देन पेमेंट मैथड आपको पता चल जाएगा उसके बाद जो है मैं आप सभी से कनेक्ट करूंगा एंड हेल्प करूंगा

बहुत एसविश लॉन्चेस हैं वो क्योंकि इसमें सारी एसवीजें वेन्यू का फेस लाइफ आपको देखने को मिलेगा इंडिया में देन क्रेटा का जो फेस लाइफ है ग्लोबली अनवील्ड हो चुका है एंड बहुत जगहों पे तो लॉन्च हो गया लेकिन इंडिया में भी ये लॉन्च हो सकता है इसी साल इस पर मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई है इसके सारे अपडेट्स पर तो उस पर भी आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बाकी जो थर्ड लॉन्च होगा वो होगा टिकसॉन्ग का देन आएगी द कोना इलेक्ट्रिक का भी जो कोना ई है उसका भी अपडेट किया जाएगा वेल well, अभी बात करते हैं फेस न्यू जनरेशन टिक्सॉन की तो सबसे पहला पॉइंट कि क्या अपडेट होगा तो वेल well, जो एक्सटीरियर है वो अपडेट होगा एंड एक्सटीरियर की बात करता हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि टिक्सॉन इससे बेटर दिख सकती है और इस अपडेट की बात करते हैं तो इसका जो डैशिंग डिजाइन लैंग्वेज है आई लाइक द ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज आपको एक न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज मोर मॉडर्न लुक एंड एक एसविश कैरेक्टर और जो स्टांस है इसका वो एनहेंस होगा फ्रंट में आपको जो है अपडेट देखने को मिलेगा लाइक like आपको न्यू पैरामेट्रिक ग्रिल देखने को मिलेगा जो कि क्रोम के साथ आता है एलईडी डीआरएल भी इसी में अटैच किए गए हैं हैंडलम्प्स थोड़े से नीचे प्लेस किए गए हैं देन आपका आता है द स्पॉटियर लुकिंग बम्पर और थोड़ा सा बोनट के जो लाइन्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा हुड पे लाइन्स जो है देखने को मिलेंगी और मस्कुलर कैरेक्टर थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पे आपको देखने को मिलेगा व्हील आर्कस पर और बाकी बात करते हैं रियर है, प्रोफाइल पे भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है अगर मैं बात करता हूँ रियर में जो भी अपडेट्स उस्की तो डिजाइन में कोई भी कमी नहीं है एक्सटीरियर प्रोफाइल बहुत अपडेटेड है एलईडी प्लस प्रोजेक्टर सेटअप है और फॉरेन मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में ये जो डिजाइन लैंग्वेज है ऐसा आपको देखने को मिलता है एंड ये बहुत पहले ही अपडेट हो गया था अब इंडिया में अपडेट होकर अभी आया है लेट्स सी कितना बढ़िया रिस्पांस रहता है कब आती है वो भी आपको बता दूंगा वेल well, डिज़ाइन में आप देख चुके हैं कि ये ये पूरे अपडेट्स हैं रियर में जो है आपको न्यू रीडिजाइन डिजाइन एलई डी टेल लैंप्स देखने को मिलेंगी एंड रीडिजाइन डिजाइन टेल गेट होगा रीडिजाइन आपको जो है बम्पर देखने को मिलेगा सो so, ये पूरा अपडेट हो गया देन बात करता हूँ तो सेकेंड पॉइंट है इंटीरियर कैबिन वेल इंटीरियर कैबिन में आ, जो मॉडर्न कार्स आ रही हैं फ्रॉम द हिंडा इंडिया वैसी कुछ देखने को मिलेगी या इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूँ तो वो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंटीरियर तो so, वैसा ही इंटीरियर रहेगा Uh, जो क्रेटा है जो हमारी आई ट्वेंटी है न्यू दोनों से सिमिलर रहेगा इसका डिजाइन लैंग्वेज चाहे मैं बात करूं अभी जो फेस लिफ्ट आने वाला है क्रेटा का उसी का उसी के तरीके से बनाई गई है इसे डिज़ाइन किया जाएगा देन बात करते हैं तो आई ट्वेंटी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है तो उसकी बात करते हैं वैसे ही कुछ इंटीरियर होगा फीचर्स लोडेड इंटीरियर होगा आपको प्रीमियम लगेगा पूरा ओवरऑल जो इंटीरियर है वो अब फीचर्स में आपको लीदरे टपॉलरी वो सारी फीचर्स जो है देखने को मिलेंगे इस पर अलग से थर्ड पॉइंट है हमारा तो उसी पर चलते हैं एंड थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यानी कि फीचर्स वेल well, फीचर्स की बात करता हूं तो इंडियन बाउंड uh, uh, जो इंडिया मॉडल होने वाला है उसकी बात करता हूं तो आपको जो है यहां पर लीदरेट अपॉल्ट्री अपडेटेड टेन पॉइंट टू फाइव इंचल क्लस्टर देखने को मिलेगा मल्टी फंक्शनिंग स्टेरिंग व्हील विद वॉइस कंट्रोल सिस्टम ये सब देखने को मिलेगा स्टेयरिंग व्हील होगा लीदरेट सीट्स होंगे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स होंगी पावर ओ आरबीएम्स आपको देखने को मिलेंगे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वायरलेस स्मार्टफोन uh, चार्जर देखने को मिलेगा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले देन बात करता तो ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगी तो फीचर्स में कोई भी कमी नहीं होगी जो करंट ऑन गोइंग मॉडल है वो आई थिंक 20.22.69 लाख से स्टार्ट हो रहा है देन 26 uh, या 27 लाख समथिंग ज्यादा है एक्स शोरूम इंडिया Uh, इतनी प्राइसिंग रेंज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा बेकार मॉडल हो चुका है वो क्योंकि नो वन इज़ गोइंग फॉर दैट मॉडल अगर मैं बात करता हूँ सीरियसली बिकॉज लिटरली बता रहा हूँ कि उसमें जो भी अपडेटेड फीचर्स हैं अगर आप इतना अमाउंट पे करेंगे देन कंपास इस सेगमेंट में बेस्ट हो जाती है अगर आप एक 22 से uh, जा रहे हैं लाइक like ट्वेंटी तक का अगर आप एक्स्ट्रो रूम जाएंगे तो समथिंग अराउंड थर्टी पड़ जाएगा तो उसमें आपकी आती है द टसॉन जो कंपास है वो भी बहुत अपडेटेड है उससे लोअर जाना है कि उससे कम में आपको एक्सवी सेवन डबलो मिल रही है एंड सफारी मिल रही है बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं तो उसका कंपटीशन बढ़ चुका है तो इस वजह से फीचर्स की ये इंपॉर्टेंट नीड्स हैं एंड अगर ये फीचर्स अब मिलने लगेंगे देन ये बहुत अपडेट हो जाएगी और प्रीमियम लगने लगेगी तो एक ऑप्शन एक बार माइंड में स्ट्राइक भी करेगा लोगों के कि हमें इसके लिए जाना चाहिए बाकी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की वो है द सेफ्टी रिलेटेड पॉइंट वेल इंटरनेशनल मार्केट में आपको देखने को मिलता है दी सिस्टम जिसमें लेन डिपार्चर कंट्रोल ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स लेन कीपिंग असिस्टेंस देखने को मिलता है थ्री डिग्री व्यू कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स होते हैं ऐसे सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं बट इस पर क्वेश्चन कि क्या है इंडिया ये इंडिया में देगी वेल इंडिया में परसेंट 50 -50 चांसेस हैं। अभी तो क्रेटा में देखने को मिलेगा बट इसमें जो है फिफ्टी परसेंट ही चांस मिले हाँ ये बता देता हूं कि आपको जो है यहाँ पर 360 डिग्री व्यू कैमरा फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेगा ऑल फोर व्हील आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल सकते हैं सिक्स एयरबैग्स होंगे और बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स सेंट्रल लॉकिंग ब्रेकिंग असिस्ट ए बी स्विथ ई बी डी देखने को मिलेगा वी एस एम देखने को मिलेगा तो हील असिस्ट ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की जो कि है द इंजन ऑप्शन वेल well, इंजन ऑप्शन में अभी करंट मॉडल में जो है टू लीटर का आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल यूनिट एंड एक टू पॉइंट टू पॉइंट टू लीटर्स का जो है आपको एक आ, नहीं टू लीटर्स का ही आपको जो है यहाँ पे एक आ, टर्बो डीजल यूनिट देखने को मिलता है अभी ऑन गोइंग मॉडल पर वैल well, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि इंजन ऑप्शन चेंज किए जाएंगे या पावर आउटपुट्स चेंज होगी अभी इंजन से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं निकला है फीचर्स डिज़ाइन सब कुछ हमें पता चल चुका है इंजन से रिलेटेड अपडेट नहीं है तो उसके लिए अभी आपको बहुत वेट करना पड़ेगा हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर चेंज कर दे पावर ट्रेन में थोड़ा सा पावर बढ़ सकती है पावर आउटपुट्स लेट्स सी हाँ एट स्पीड के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती है दैट सॉल्व बाकी ये थी हमारे कंप्लीट डिटेल्स अब बात करते हैं लॉन्च कब होगी और क्या प्राइसिंग होगी तो वेल लॉन्च तो अगर मैं बात करता हूं तो अभी तक कन्फर्म नहीं है बट इसकी जो अभी करंट लॉन्च डेट है वो समथिंग अराउंड uh, क्रेटा के बाद रखी गई है जो कि है हमारा uh, यहाँ पे समथिंग जून या जुलाई हम कह सकते हैं या अगस्त के बाद भी आप आ, सोच सकते हैं कि ये लॉन्च होगी क्योंकि अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है इवन मेन्यू प्लान चल रहा है अभी क्रेटा ही आने से रह गई है तो टूक इसके बाद ही होगी तो आप सितंबर तक तो प्लान करके चल कि सितंबर तक मैक्सिमम आपको वेट करना पड़ेगा हाँ ये बता देता हूँ कि सितंबर में लॉन्च होगी तो इसकी प्राइजिंग की जो है कुछ बता देता हूँ कि अभी जो ऑन गोइंग मॉडल है उसकी ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स नाइन बता दिए प्राइसिंग और ट्वेंटी सेवन तक जाती है तो इससे कुछ थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ सकता है लाइक समथिंग अराउंड ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी एट या ट्वेंटी नाइन लैक्स रुपीज तक की कॉस्ट कर सकती है द न्यू जनरेशन ह्यून डेटक वेल क्या कॉस्ट करेगी तो लॉन्च वाले दिन ही पता चलेगा बट ये अगर इतना प्राइज होगा तो स्टिल अगर डिजाइन लैंग्वेज सबको पसंद आएगा देन दे विल गो फॉर इट अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है इसी सेगमेंट में तो वो एक पॉइंट बन सकता है फॉरन मार्केट में प्लग इन हाइब्रिड के साथ आती है और एक हाइब्रिड कंट्रोल uh, आपको देखने को मिलता है तो वो चीजें हैं डिफरेंस क्रिएट कर देगी इंडियन एंड जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बाकी ये थी हमारे द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द न्यू जनरेशन टुकसॉन आपको कैसी लगती है एक कार अगर आप वेट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं बाकी कैसी लगी ये वीडियो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो क्लिक कर दे ऑन द लाइक बटन एड शेयर दिस वीडियो टू आर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो क्लिक कर दे सब्सक्राइब बटन प्रेस द बेल आइकन अगर आप भी वेट कर रहे हैं एक और अपडेट का ऑन द न्यू जनरेशन टुक्स ऑन तो जैसे कोई अपडेट आएगा आपको वीडियो मिल जाएगी नोट फिकेशन मिल जाएगी बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ऐसे आज की वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन गुड बाय